क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए, सबसे ज्यादा रन भी बनाए और अकेले दम पर टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद भी रोहित शर्मा को टेस्ट मैचों में अपनी जगह के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और यहां तक कि टीम में होने के बाद भी प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। मगर अब मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और साफ साफ कह दिया है कि अब रोहित ही तीनों फॉर्मेट में ओपनिंग करेंगे। तो आप भी रोहित को पसंद करते हैं तो तुरंत कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज में पूरी टेस्ट सीरीज बेंच पर बैठकर ही बितानी पड़ी। वर्ल्ड कप के ठीक बाद खेली गई सीरीज में रोहित को जगह नहीं मिली। लेकिन अब रोहित और रोहित के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब हिटमैन को टेस्ट मैचों में भी ओपनिंग करने का मौका मिलेगा। मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने रोहित शर्मा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रसाद ने कहा है कि राहुल में टैलेंट भरा है लेकिन राहुल उसे डिलीवर नहीं कर पाए और अब हम टेस्ट मैचों में केएल राहुल से बाहर जाकर सोच रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि रोहित को टेस्ट मैचों में बतौर ओपनर मौका दिया जाए और रोहित भी इसके लिए तैयार हैं और चयन समिति भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। प्रसाद ने कहा कि जब साउथ अफ्रीका दौरे के लिए बैठक होगी तो उसमें रोहित का नाम बतौर ओपनर विचार किया जाएगा। यानी एमएसके प्रसाद ने साफ कर दिया कि रोहित का टेस्ट मैचों में ओपनिंग करना तय है, बशर्ते कि चयनकर्ताओं की मीटिंग में कप्तान विराट कोहली रोहित के नाम का विरोध न करें। वैसे दिग्गज सौरव गांगुली, गौतम गंभीर, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग लगातार रोहित को ओपनिंग कराने की मांग करते रहे हैं और अब मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने खुद ही बड़ा ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में आप भी रोहित को बधाई देने के लिए कमेंट जरूर करें, साथ ही ये भी जरूर बताएं कि क्या रोहित शर्मा वीरेंद्र सहवाग की तरह सफल टेस्ट ओपनर साबित होंगे। कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।